हरियाणा सरकार में आईएएस अधिकारी रानी नागर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता डिपार्टमेंट में एडिशनल डायरेक्टर थी। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जिसके पीछे उन्होंने कारण बताया सुरक्षा ना होने का उन्होंने हवाला दिया है। लेकिन सुरक्षा का जो उनका जो मसला है ये अभी का नहीं है, 2018 से चलता आ रहा है, वो तब से इस पर लिखती आ रही हैं। वो क्या पूरा मसला है और उन्होंने यौन शोषण के भी कुछ अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं, उस बारे में भी हम इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। क्या पूरा मसला है रानी नागर का, अभी का क्या घटनाक्रम है, पहले वो जान लेते हैं, फिर पूरा मसला आपको विस्तार से इस पूरी डिटेल रिपोर्ट में हम बताने वाले हैं। अभी का आज का घटनाक्रम ये हुआ कि रानी नागर ने चंडीगढ़ में अपना इस्तीफा दे दिया, वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था। कर्फ्यू खुलते ही वो पहुँच गई और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे की जो कॉपी है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी भेजी है और उसमें लिखा है कि मुझे सरकारी नौकरी करते वक्त सुरक्षा का खतरा था, अब इसलिए मैं इस्तीफा दे रही हूँ। उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। उन्होंने एक कोर्ट में केस भी डाला हुआ है, उस केस के बारे में भी हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। तो इस्तीफा देने के बाद वो इंतज़ार कर रही थी कि कर्फ्यू खुले और वो इस्तीफ़ा दें और वो अपने गाज़ियाबाद में जो उनका निवास है वो वहाँ पर आ सकें, तो उन्हें इजाज़त मिल गई और वो एक प्राइवेट गाड़ी में, माफ़ कीजिएगा, सरकारी वाहन में उनको इजाज़त मिली। वो सरकारी वाहन से वापस गाज़ियाबाद आ गई हैं। कैसे कैसे वो वापस आई हम आपको वो भी बताते हैं, देखिए। इस्तीफा देते हुए रानी ने ट्विटर पर लिखा, मैं रानी नागर पुत्री श्री रतन सिंह नागर निवासी गाज़ियाबाद गांव बादलपुर तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर, आप सभी को सूचित करना चाहती हूं कि मैंने आज दिनांक 4 मई 2020 को आईएएस के पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं और मेरी बहन रीमा नागर माननीय सरकार से अनुमति लेकर चंडीगढ़ से अपने पैतृक शहर गाज़ियाबाद वापस जा रहे हैं। हम आपके आशीर्वाद व साथ के आभारी रहेंगे। इस्तीफे में उन्होंने सरकारी महकमों में ड्यूटी के दौरान सुरक्षा न मिल पाने और जान का खतरा होने की बात कही है। उन्होंने अपने इस्तीफे की कॉपी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी भेजी है। रानी नागर इसके बाद सरकारी गाड़ी में गाज़ियाबाद के लिए निकल पड़ी। चंडीगढ़ में अब तक कर्फ्यू लगा हुआ था जिसके चलते वो अपना इस्तीफा नहीं दे पाई थी। वो इसके बाद हरियाणा सरकार से अपने घर तक जाने के लिए लॉकडाउन के दौरान पास की भी मांग कर रही थी। ये सभी दिक्कतें दूर हो जाने के बाद वो गाड़ी नंबर HR03N6305 से घर के लिए निकल पड़ी। यह गाड़ी घरौंदा टोल पर खराब हुई जिसे प्रदीप खटान और प्रदीप गोजर ने आकर ठीक किया और रानी ने अपनी बहन के साथ आगे का सफर तय किया। रानी नागर ने कोर्ट में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुनील गुलाटी और चंडीगढ़ पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के खिलाफ उत्पीड़न का मामला डाला हुआ है। रानी ने अपनी और अपनी बहन की जान को खतरा बताकर अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी लेकिन कई बार अनुरोध के बावजूद सरकार ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी। इस्तीफे के बाद रानी ने सरकार से सामान के साथ अपने घर जाने की अनुमति मांगी थी जिसके बाद वो घर लौट गई। रानी अपने अब घर गाज़ियाबाद लौट चुकी हैं। उन्होंने सभी लोगों का धन्यवाद किया है जिन्होंने उनका साथ दिया है। अब जान लेते हैं रानी नागर के बारे में। रानी नागर गाज़ियाबाद के बादलपुर गांव की रहने वाली हैं। उनके पिता का नाम रतन सिंह नागर था जो MMH इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे। उनका परिवार इस समय गाज़ियाबाद के नेहरू नगर में रहता है। लेकिन रानी नागर का जो उत्पीड़न हुआ और उसकी जो कहानी है वो नई नहीं है। वो हरियाणा में जो आईएएस ज्वाइन करती हैं उसके बाद से ही लगातार उनको उत्पीड़न झेलना पड़ा। उनकी जो पोस्टें हैं उनसे यही निकल कर सामने आया कि उत्पीड़न काफी लंबे समय से हो रहा था। बहुत सारे गुजर नेताओं ने जो कि भाजपा में हैं, जैसे कृष्ण पाल गुजर हैं, उन्होंने उनसे कहा है कि आप इस्तीफा अपना वापस लें, हम आपके साथ खड़े हैं, कांग्रेस राजनीति ना करें। लेकिन हमें नहीं लगता कि रानी नागर अब इस्तीफे से कम कुछ मानने वाली हैं। आईएएस बनना कोई आसान नहीं है और बेटियों के लिए खासकर। मैं समझ सकता हूं कि उसके ऊपर इतना मानसिक दबाव बन गया था, उत्पीड़न का, यौन शोषण का, जान के खतरे का, कि उसने ये उचित समझा कि मैं रिजाइन ही कर दूं। एक आईएएस लड़की, गुजर बिरादरी से बेटी और जो पिछड़ा वर्ग की बेटी है, उसको आज इतना लाचार होना पड़ा, मजबूर होना पड़ रहा है कि वो रिजाइन करनी कर रही है, तो कहाँ गया वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। रानी नागर के साथ 2015 से ही बहुत सारे मामले ऐसे जुड़े हैं जिनमें उन्होंने शिकायतें की हैं।
जिनमें ड्राइवरों द्वारा अश्लील हरकतें जो ड्राइवरों ने सरकारी दिए जाते थे उन पर भी आरोप हैं। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं रानी नागर के, लेकिन बड़ा मामला जो है वो उनके सीनियर का ही है, जो कोर्ट में केस उनका फिलहाल चल रहा है और उसी को लेकर वो सुरक्षा की मांग कर रही थी। उनकी सुरक्षा हटा ली गई थी। वो कब हटाई गई थी, आपको ये पूरा रानी नागर का जो मामला है उसको समझने के लिए ये एक पत्र है उनका, वो पढ़ना होगा, उसको समझना होगा, हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। रानी नागर ने फेसबुक पर 10 जून 2018 को एक पूरा पोस्ट लिखा था, जिसे पढ़कर आपको पूरा मामला समझ आ जाएगा। इस केस को समझने के लिए यह पोस्ट बेहद महत्वपूर्ण है। रानी नागर लिखती हैं, नमस्कार, मैं आप सभी को मेरे साथ हो रहे यौन शोषण के बारे में सूचित करना चाहती हूँ। मैंने दिनांक 9 मई 2018 से अतिरिक्त सचिव पशुपालन विभाग हरियाणा सरकार चंडीगढ़ में पदभार ग्रहण किया है। विभाग में मेरे उच्च अधिकारी श्री सुनील गुलाटी जी IAS अतिरिक्त मुख्य सचिव पशुपालन विभाग हरियाणा सरकार हैं। मेरे उच्च अधिकारी श्री सुनील गुलाटी जी एवं इनके साथियों द्वारा मेरा यौन शोषण किया जा रहा है। मैं आपके साथ कुछ पत्र साझा कर रही हूँ जो मैंने माननीय राष्ट्रपति महोदय भारत गणराज्य कार्यालय की सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध ईमेल व माननीय भारत सरकार कार्यालय की सरकारी वेबसाइट मेरी सरकार पर उपलब्ध ईमेल पर विभिन्न तिथियों में भेजे हैं। श्री सुनील गुलाटी जी ने दिनांक 22 मई 2018 को मुझे अपने कार्यालय कमरे में दोपहर को बुलाया और मुझसे पूछा, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मोबाइल मेरे बैग में था। इसके बाद श्री सुनील गुलाटी जी ने मुझे धमकाया और मुझसे कहा, देखो मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, अगर एक बार में समझ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो सारी नौकरी में परेशान रहोगी। तुम फाइलों पर ये सब क्यों साफ साफ लिखती हो कि विभाग ने क्या क्या गलत किया है? जो तुम फाइलों पर लिखती हो उसे मैं हमेशा रद्द कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दूंगा। अगर तुम फाइलों पर नोटिंग पर टिप्पणी लिखना बंद नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत दूंगा, और अगर मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर दूंगा तो तुम्हें परेशानी हो जाएगी। मैं 2 महीने में तुम्हारा इस विभाग से तबादला करवा दूंगा। तुम फाइलों पर जो लिखती हो वह सब पूरी तरह बकवास है। अगर तुमने फाइलों पर टिप्पणी लिखनी बंद नहीं की तो सारी नौकरी में तुम्हें बाधा डालने वाली का तमगा मिल जाएगा। दूसरा, दिनांक 18 मई 2018 को सुनील गुलाटी जी ने मुझे अपने कार्यालय कमरे में 5:40 पर बुलाया और रात 7:30 तक मुझे अपने कमरे में बैठाए रखा। दिनांक 21 मई 2018 को सुनील गुलाटी जी ने मुझे अपने कार्यालय कमरे में 5:30 पर बुलाया और रात 8 तक मुझे अपने कमरे में बैठाए रखा। दिनांक 31 मई 2018 को सुनील गुलाटी जी ने मुझे अपने कार्यालय कमरे में दोपहर में बुलाया और गुलाटी जी ने मुझसे पूछा कि बताओ तुम किस तरह का काम करना चाहती हो, तुम टाइम पास का काम करना चाहती हो या तुम कार्यालय का काम करना चाहती हो? मैं तुम्हें वैसा ही काम दूंगा जो तुम करना पसंद करोगी। सुनील गुलाटी जी ने मुझे धमकाया कि फाइलों पर नोटिंग पर तुम कोई टिप्पणी नहीं लिखा करो और तुम सिर्फ अपने हस्ताक्षर किया करो, अगर तुम फाइलों पर नोटिंग पर टिप्पणी लिखोगी तो मैं तुम्हारा ACR वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट खराब कर दूंगा। सुनील गुलाटी जी ने मुझे धमकाया कि ऐसे टिप्पणी फाइलों की नोटिंग पर लिखोगी तो कोई तुम्हें उल्टा टांग देगा, तुम्हारी मुंजी ठोक देगा, हम लोग माफ़ी नहीं देते हैं, मैं तुम्हारी ACR वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ठोक दूंगा। मैं अभी तुम्हें मौखिक तौर पर कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी ACR वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में लिखकर तुम्हारी ACR वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट खराब कर दूंगा। कितनी मेहनत करके तुम IAS बनी हो, सब खराब हो जाएगा। पांचवा, सुनील गुलाटी जी ने मुझसे कहा, जब कोई नई दुल्हन आती है घर में तो उसे समझाना पड़ता है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। छठा, सुनील गुलाटी जी का व्यवहार बहुत ही अमर्यादित एवं अनैतिक है। सातवा, दिनांक 6 जून 2018 को गुलाटी जी ने मुझे अपने कार्यालय कमरे में 5:30 बुलाया, रात 7:39 पर मुझे अपने कार्यालय के कमरे में बैठाए रखा। मैं सुनील गुलाटी जी के सामने मेज के दूसरे ओर बैठी हुई थी। सुनील गुलाटी ने मुझसे कहा कि उठकर मेरी कुर्सी के नजदीक आओ। मैं उठकर मेज के दूसरी तरफ पहुंची तो गुलाटी जी मुझे कंप्यूटर चलाना सिखाने का बहाना करने लगे। मैं बहुत जल्दी करके वापस कुर्सी पर पहुंची। थोड़ी देर बाद गुलाटी जी ने मुझसे कहा, तुम्हारे पास सरकारी गाड़ी है, शनिवार को उठा करो और घूम कर आया करो। थोड़ी देर बाद सुनील गुलाटी जी ने अपनी कुर्सी पर से खड़े हुए और कोई कागज़ ढूंढने का बहाना करते हुए मेरी कुर्सी के बिल्कुल करीब आ गए और मेरी कुर्सी को हाथ से धक्का मारा।
थोड़ी देर बाद सुनील गुलाटी जी फोन पर किसी को मेरे सामने ही यू ब्लडी अपशब्द बोलकर बात करने लगे। सुनील गुलाटी जी एवं उनके साथ ही मुझे धमका रहे हैं तथा मेरा शोषण कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने शोषण के विरुद्ध शिकायत करी एवं माननीय न्यायालय में बयान दिए। यह 8वां है। 9वां, माननीय श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा जी IAS अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विभाग हरियाणा सरकार द्वारा मुझे मौखिक आदेश दिए जा रहे हैं कि मैं कोई भी शिकायत लिखित में दर्ज न करवाऊं। 10वां, दिनांक 9 मई 2018 से मेरी पुलिस सुरक्षा हटा दी गई, जिसके बारे में मैंने माननीय उच्च अधिकारियों एवं माननीय DGP महोदय हरियाणा पुलिस को भी सूचित कर चुकी हूँ। मैं सुनील गुलाटी जी ने मुझे आदेश दिए हैं कि वह जिला रोहतक हरियाणा में इतवार 10 जून 2018 को एक मीटिंग करेंगे, जिसमें मेरा आना अनिवार्य है। मीटिंग में सुनील गुलाटी जी दोपहर 2:45 से 5:30 बजे तक अपने व्यक्तिगत विचार सुनाएंगे कि जीवन व कार्य क्षेत्र का लक्ष्य कैसा हो। 5:30 बजे के बाद मुझे बिना किसी सुरक्षा कर्मी के रोहतक से चंडीगढ़ पहुँचना होगा, जिसमें रात के 10 या 11 बज जाने की संभावना है। मुझे अंदेशा है कि सुनील गुलाटी जी एवं उनके साथ ही रात के समय मुझ पर हमला कर सकते हैं। 12वां, मैं बार बार उपरोक्त पत्रों से निवेदन कर रही हूं कि सुनील गुलाटी जी के कार्यालय कमरे के CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग की जांच की जाए तथा मुझे उपयुक्त सुरक्षा प्रदान की जाए तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए, किंतु मुझे इस अत्याचार एवं शोषण को चुपचाप सहते रहने के लिए लगातार मजबूर किया जा रहा है। तो ये था वो पत्र जो रानी ने 10 जून 2018 को लिखा था। अब इसमें समझने की बात यह है कि दिनांक 9 मई 2018 को उनकी पुलिस सुरक्षा हटा ली गई थी, जिसकी वो लगातार मांग कर रही थी अभी 2020 में भी, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं मिली, इसीलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, जो वो अभी तक कारण बता रही हैं। तो ये थी रानी नागर के इस्तीफे की पूरी कहानी। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल दस्तक इंडिया को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर पेज को लाइक कीजिए और हमें फॉलो करते रहें। हम आपको इस केस में आगे भी जो कुछ अपडेट्स होंगी वो ज़रूर देंगे, और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।